तो यस, बाइंडर 1.21 का अपडेट फाइनली रिलीज हो गया है और मॉब पोर्ट भी हो चुका है। बता दिया है कि कौन कौन से मॉब्स आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर। और इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उन मॉब्स की सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग वोट करना चाहते हैं तो आप लोग किसको करना चाहते हैं वोट, कि इनमें से मॉब कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है। वैसे मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत गैस कर लेंगे और देखेंगे, साथ मिलकर वोट करेंगे, कोई अच्छा सा मॉब चूज़ करेंगे नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो माइनक्राफ्ट के 3 नए मॉब्स आए। पहला आया है क्रैब, दूसरा आर्मर टीलो और तीसरा पेंगुइन्स। वैसे तीनों ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सही हैं, लेकिन उन्होंने ना हमें एक्चुअली 48 आवर्स का टाइम दिया है। अभी स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर को, तो हमें अभी 48 आवर्स का टाइम देंगे। अभी वैसे स्टार्ट नहीं हो रही कि वोटिंग का, तो वोटिंग ना स्टार्ट होगी थोड़ी देर से, मतलब 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल हम लोग अभी थोड़ा सोच लेते हैं कि आखिर किसको करना है। सबसे पहले आता है क्रैब, तो ये तो एक एनिमल है, लेकिन इन्होंने मॉब का बताया है, क्योंकि एनिमल्स तो ये लोग अपने हिसाब से कुछ भी डाल देंगे, इनका जो दिल करेगा ना वो डाल देंगे। अपडेट के अंदर वो हमें पता चल जाएगा जब लाइव स्ट्रीम आएगी, उसके अंदर वो लोग खुद ही एनिमल्स इनके हिसाब से डाल देंगे, जैसे उन्होंने कैमल डाला था। तो इसी तरीके से ये एक एनिमल तो है, लेकिन ये मॉब भी है। पता नहीं उन्होंने बताया कि जैसे कि इसका जो क्रैब का जो हाथ होता है बड़ा वाला, ये बिल्डिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। जो बिल्डिंग्स के बनाते ना, जो बिल्ड्स बनाते लोग, उन काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें बिल्ड्स बनाने में, तो ये उनके बहुत काम आने वाला है। अब वो नहीं पता कैसे काम आएगा, बस उन्होंने ये बताया। हो सकता है कि ये ब्लॉक्स को उठाने के काम आता हो, या ज़्यादा ब्लॉक्स लेने के काम, या ब्लॉक्स ऐसी, मतलब कोई ना कोई ऐसे होता होगा। हो सकता है इससे बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, तो मतलब उन्होंने ऐसे ही कुछ बताया। बाकी ये ना ज़्यादातर स्वैम्प में पाए जाते हैं, अगर आप लोग बोट से जाएंगे ना तो आपको स्वैम्प के अंदर मिलेंगे, और आपको देखते ही हाथ हिलाना शुरू कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बाकी ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा। सेकेंड हमारे पास जो आता है वो है आर्मर टीलो। आर्मर टीलो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन ये थोड़ा सा ना अलग टाइप का मॉब है। इन्होंने तो इसे बताया तो था, जैसे एक्चुअली क्या है कि ये एक फ्रेंडली मॉब है, ये आपको कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आपको अगर कोई जैसे डैमेज करेगा ना तो वो उनको मारेगा, जैसे डॉग्स का होता है। तो सेम वैसा ही है, इसको आप लोग एक पेट के हिसाब से रख सकते हैं, और इसको आप लोग टेम भी कर सकते हैं, इसको आप खाना भी खिला सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म, मतलब नॉर्मल फ्रेंडली मॉब है, जैसे डॉग होता है वैसी है ये, बस इसमें मतलब ना कुछ खास फ़र्क है नहीं। तो अगर आप लोग वोट करना चाहें तो आप लोग इसको वोट कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, क्योंकि हम लोग ना एक्चुअली यूज़फुल चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। यूज़फुल जैसे हम लोग ने पिछले एपिसोड में, पिछले अपडेट में जैसे हम लोगों ने स्निफर को वोट किया तो स्निफर हो गया, तो इसके साथ कि हम लोगों को इस अपडेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ को वोट करना है जो कि आगे आके हमारे यूज़फुल हो। जैसे क्रैप का मैंने आपको बताया बिल्डिंग्स के लिए बहुत यूज़फुल है, वो पता नहीं अभी बताया नहीं किसी यूज़फुल है, लेकिन हाँ बिल्डिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो उसको हम लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन ये आर्मर टीलो ये एक है, क्यूट है, और एक फ्रेंडली मॉब भी, इसको आप टेम कर सकते हैं, ये बिल्कुल डॉग की तरह है। लेकिन फ़ायदा ये नहीं है कि, मतलब ये तो सेम हो जाएगा कि आप डॉग ले लो या ये ले लो, दोनों सेम है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। एक और जो मॉब है उसका नाम पेंगुइन, तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, क्योंकि पेंगुइन भी काफ़ी ज़्यादा सही है। अच्छा, इसने ऐसा बताया कि जैसे ये आपकी ना मदद कर सकते हैं, आप लोग मतलब इस ट्रेनर में देख सकते हैं कि जैसे उसकी लैंटर्न गिर गई तो उसने उठा के दे दी, तो बोल रहे कि आपकी ना ये हेल्प काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ें देने में। उसके बाद एक और चीज़ है कि आपकी ये बोट को आगे ले जा सकते हैं, यानी आपकी बोट की जो स्पीड है ना उसको और बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको पानी के अंदर पाया जाता है, जैसे आप लोगों ने डॉल्फिन को देखा वो आपकी स्पीड बढ़ा देती है, ये जो है पेंगुइन्स ये आपकी बोट की स्पीड बढ़ा देंगे। तो अब वो कैसे बढ़ाएंगे ये तो अभी फ़िलहाल हम लोगों को नहीं पता, लेकिन उन्होंने यही बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सामान अगर आपका पानी में गिर जाएगा तो आपको वापस ला के देंगे। आप उसमें डॉल्फिन में तो देखा होगा कि कैसे पानी में जब सामान गिर जाता है तो खेलने लग जाती है, हमें वापस नहीं करती, तो ये आपका सामान वापस करेंगे, आपको वापस दे के रख के चले जाएंगे। और ये कूदते भी है पानी के अंदर से, ऐसे कूद के बाहर आ जाते हैं, बाकी आपकी बोट की स्पीड बढ़ा देंगे। तो ये है, वैसे मेरे हिसाब से ना ये सही है, मतलब उसके हिसाब से तो सही है ये वाला मॉब, इसको हम लोग वैसे वोट कर सकते हैं। आप लोगों का क्या राय है आप लोग बता देगा मुझे, ये मेरे हिसाब से ना ये वाला मॉब सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देगा, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब ऑब्वियसली आप लोग कर ही देगा। मुझे कमेंट में बताना मत भूलेगा कि आप लोग किस मॉब को वोट करने वाले हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।